हेलो दोस्तों, मैं हूँ राम और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम प्रोडक्ट के लिए सोशल मीडिया ऐड प्रोमो को डिजाइन करना सीखेंगे, जैसे कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है। ऐसे कुछ क्रिएटिव प्रोफेशनल डिजाइन करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में स्टार्ट टू एंड तक। तो दोस्तों, आप सभी छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो फिर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो करिएगा, ताकि आप सभी को यहाँ पर नया कुछ क्रिएटिव डिजाइन सीखने मिले रोज़। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आ गए फोटोशॉप सीसी में, मैं जाता हूँ फाइल में और यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। और यहाँ पे मैं साइज रखता हूँ 108 GB 3870 रेजोल्यूशन, यहाँ पर टाइप कर देता हूँ मैं, और कलर मोड है RGB। और यहाँ पे फाइनल में लेता हूँ मैं पोस्ट ऐड और यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये हमारे डिज़ाइन साइज आ गया। अब मैंने कुछ इमेजेस लिए, इनका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले तो मैं इस टेबल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इस तरह ड्रैग करके यहाँ पर रख लूँगा, कंट्रोल टी करूँगा और इसे इस तरह ऊपर की तरफ बड़ा कर लूँगा मैं, और नीचे की तरफ इसे एडजस्ट करूँगा, बिल्कुल सेंटर में रखूँगा, इंटर करूँगा। अब मैं फिर से यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह ड्रैग करके यहाँ पे ला कर रख दूँगा, कंट्रोल टी करके इसे इस तरह मैं बड़ा कर लूँगा थोड़ा, और ऊपर की तरफ रखूँगा, इसे थोड़ा सा छोटा और कर लेता हूँ मैं, इंटर करूँगा। अब मैं यहाँ बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा और यहाँ से जाऊँगा सॉलिड कलर में, और इसी से रिलेटेड मैं कलर पिक करूँगा। तो यहाँ से मैं कलर पिक कर लेना, पहले तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ, थोड़ा प्रोडक्ट को हाईलाइट कर लेता हूँ। मैं प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इमेज में जाके, यहाँ से एडजस्टमेंट में जाके, यहाँ से वाइब्रेंस में जाऊँगा और यहाँ से इसका सेचुरेशन थोड़ा बढ़ा लूँगा मैं इस तरह, और यहाँ से वाइब्रेंस ओके करूँगा। अब मैं यहाँ बैकग्राउंड पर क्लिक करूँगा और यहाँ से जाऊँगा सॉलिड कलर में, और यहाँ से मैं ये कलर पिक करूँगा बैकग्राउंड के लिए, तो इसका कोड यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। थोड़ा सा और डार्क ले लेता हूँ नीचे की तरफ, इस तरह यहाँ पर कलर कोड आ जाएगा, ओके करूँगा। अब इसे को एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ से जाऊँगा ब्रश में, ब्रश में जाके यहाँ से मैं ब्रश को थोड़ा बड़ा कर लूँगा। आप चाहें तो यहाँ से ओपन पैकेट से इस तरह इसे बड़ा कर सकते हैं, थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ नेट। और यहाँ पे कलर बॉक्स पे जाऊँगा और यहाँ से इस कलर को पिक कर लूँगा, और यहाँ पर थोड़ा ऊपर की तरफ जाऊँगा मैं, थोड़ा सा मैं और ऊपर ले लेता हूँ, कलर को लाइट कर लेता हूँ, ये सब कोड यहाँ पर आ जाएगा, ओके करूँगा। अब मैं ब्रश को थोड़ा सा और बड़ा करके यहाँ पर क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह इफेक्ट आएगा। अब मैं कंट्रोल डी करूँगा और इसे इस तरह मैं नीचे की तरफ थोड़ा सा राइट साइड से और ऊपर थोड़ा बढ़ा लूँगा मैं, लेफ़्ट साइड से भी इंटर करूँगा, तो ये कुछ इस तरह इफेक्ट दिखेगा। अब मैं इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूँगा, इसी का एक डुप्लीकेट टी करूँगा मैं कंट्रोल जे प्रेस करके, नीचे लेयर को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल टी करूँगा और डोंट शो अगेन को ओके करके मैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक एरो नहीं आ रहा है पॉइंटर, तो ये पॉइंटर यहाँ पर हाइड है, तो इसे चेक करूँगा तो ये पॉइंटर यहाँ पर आ जाएगा। इसे यहाँ पर नीचे की तरफ रख लूँगा और यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं इसे फ्लिप वर्टिकल कर लूँगा, इंटर करूँगा, थोड़ा सा मैं एरो से इसे नीचे ले लूँगा इस तरह में, और मैं स्पेस को पकड़ के इस तरह हैंड टूल आ जाएगा, तो इसे ऊपर ले लूँगा थोड़ा। और यहाँ पे मैं मास्किंग ऑन करूँगा, इस वाइट बॉक्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ से ब्रश में जाके यहाँ से मैं सॉल्वर को चूज़ करूँगा, यहाँ कॉर्नर से मैं इस पैनल को थोड़ा बड़ा कर लूँगा, और यहाँ जनरल ब्रश में जाके यहाँ पर ये सॉफ्ट ब्रश मिल जाएगा आप सभी को, इसे क्लोज़ कर लूँगा मैं, ब्रश को क्लोज करके इसमें इस तरह छोटा कर लूँगा मैं, और यहाँ पे इस तरह से इरेज कर लूँगा, तो इरेज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मैं कलर को ब्लैक कलर को ऊपर ले लेता हूँ और वाइट को नीचे, तो अब ये इरेज हो जाएगा इस तरह। बस इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा मैं इस तरह, तो कुछ इस तरह इफेक्ट दिखेगा। अब मैं इसी के नीचे फिर से एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ पर कलर बॉक्स पर जाके यहाँ से मैं कलर पिक करके डार्क कलर ले लूँगा इसी से रिलेटेड, तो कोड यहाँ पर आ जाएगा, ओके करूँगा। अब मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह एक इफेक्ट आएगा, इसे पकड़ के मैं इसे इस तरह मैं बेंड कर लूँगा और यहाँ पे मैं इसे इस तरह रख लूँगा, इस तरह इंटर करूँगा मैं, और यहाँ पे मोटूल को सेलेक्ट करके मैं अप एरो से इसे इस तरह मैं मैनेज कर लूँगा, तो कुछ इस तरह एक शेडो दिखेगा। अब मैं इस टेबल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से ब्रश को सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर मैं मास्किंग ऑन करूँगा और ब्रश को थोड़ा सा बड़ा करूँगा मैं, और यहाँ पर इस तरह मैं इसे बैकग्राउंड थोड़ा थोड़ा मैं मर्ज कर लूँगा इस तरह, ब्रश को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं इस तरह, और यहाँ से इसकी ओपेसिटी रखता हूँ मैं 70%, ब्रश को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं और इस तरह मैं इसे प्रॉपर मर्ज कर लूँगा, कंट्रोल जीरो करके मैं डिज़ाइन पे आऊँगा, तो ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरह दिखेगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पर जो कि मैंने इमेज लिया हुआ है, अब मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर ला कर इस तरह मैं रख लूँगा, कंट्रोल टी करके मैं इसे इस तरह कॉर्नर में रख के इसे इस तरह बड़ा कर लूँगा, इंटर करूँगा, इसी का एक डुप्लीकेट निकालूँगा अल्ट प्रेस करके और यहाँ पर इस तरह रख लूँगा, कंट्रोल टी करके मैं इसे इस तरह मैं छोटा करूँगा थोड़ा, इंटर करूँगा। अब मैं इसी का फिर से एक डुप्लीकेट निकालूंगा, कंट्रोल जे प्रेस करूँगा, कंट्रोल टी करके मैं इसे इस तरह मैं बड़ा कर लूँगा यहाँ पे, और यहाँ थोड़ा सा कॉर्नर की नीचे रखूँगा मैं कॉर्नर में, और यहाँ पे इसे इस तरह मैं थोड़ा बड़ा कर लूँगा कंट्रोल टी करके इस तरह, इसे नीचे ले लूँगा, इंटर करूँगा, तो ये कुछ इस तरह इफेक्ट आएगा।
अब मैं फिर से यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे इस इफेक्ट को, इमेज को पकड़ के मैं यहाँ पे ला कर रख लूँगा, कंट्रोल टी करूँगा और यहाँ पे इस तरह कॉर्नर में इसे इस तरह कॉर्नर से बड़ा कर लूँगा मैं और इसे ऊपर की तरफ इस तरह रखूँगा, इंटर करूँगा। अब मैं यहाँ पे इसका फिल थोड़ा कम कर लेता हूँ, तो यहाँ मैं फिल रखता हूँ 60% इस तरह और इंटर करूँगा। कंट्रोल टी करके मैं इसे थोड़ा सा और कॉर्नर से बड़ा कर लेता हूँ इस तरह में और ऊपर की तरफ रखूँगा इसे, इंटर करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, इसे ड्रैग करके थोड़ा नीचे ले लेता हूँ इन लेयर के नीचे। अब मैं इसका एक डुप्लीकेट निकालूंगा अल्ट प्रेस करके और कंट्रोल टी करके मैं इसे इस तरह रोटेट कर लूँगा मैं, और यहाँ ऊपर की तरफ मैं इसे इस तरह मैं छोटा कर लूँगा, थोड़ा सा और रोटेट कर लेता हूँ मैं इस तरह में, कॉर्नर में रखूँगा और इसे इस तरह मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा मैं, थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ मैं, इंटर करूँगा। तो ये डिज़ाइन हमें कुछ इस तरह दिखेगा दोस्तों। कंट्रोल जीरो करके डिज़ाइन को प्रॉपर बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा माइनस कर लेता हूँ, कंट्रोल माइनस करके इस तरह। अब मैं थोड़ा सा इस इमेज को नीचे ले लूँगा क्योंकि हमें यहाँ पे टेक्स्ट लिखने का है, तो मैं यहाँ पे फटाफट टेक्स्ट मैनेज कर लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ले लिया, कंट्रोल टी करके मैं थोड़ा सा इसे मैनेज कर लेता हूँ इस तरह, इंटर करूँगा, थोड़ा सा मैं लेफ्ट साइड में रखूँगा और इस इमेज को थोड़ा सा मैं नीचे ले लूँगा क्योंकि टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है। शिफ्ट पकड़ूँगा और इन सारे टेक्स्ट को मैं शिफ्ट डाउन एरो से इस तरह मैं नीचे ले लूँगा मैं। अब मैं यहाँ पे पेन टूल लूँगा और यहाँ पे ऊपर की तरफ एक लाइन क्रिएट कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं पाथ रखा हुआ है तो इसे शेप में कन्वर्ट कर लूँगा। अब मैं यहाँ पे इस तरह में एक लाइन क्रिएट कर लूँगा और यहाँ पे पिक्सल रखूँगा 2 और यहाँ पे कलर रखूँगा मैं। यहाँ कलर बॉक्स पे जाके इसी से रिलेटेड में, ये टेक्स्ट से रिलेटेड में कलर दे लूँगा, यहाँ पर ओके करूँगा, इसे क्लोज कर लूँगा, थोड़ा सा नीचे ले लूँगा। तो इंडिया नामा कुछ इस तरह दिखेगा दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ टॉप लेवल को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट ई प्रेस करूँगा, तो ये डिज़ाइन सारे कंबाइंड हो जाएंगे। अब मैं जाऊँगा फिल्टर में और यहाँ से जाऊँगा कैमरा रॉ में, तो ये हमारा कैमरा रॉ का पैनल आ गया। अब मैं जाऊँगा यहाँ इफेक्ट में और यहाँ से इसका टेक्सचर बढ़ाऊँगा और यहाँ पे क्लियरिटी भी थोड़ा बढ़ा लूँगा मैं, और वेगनेट को थोड़ा मैं माइनस कर लूँगा इस तरह में, और गेन को भी थोड़ा मैं 5 रखता हूँ यहाँ पर, इसे क्लोज कर लेता हूँ। अब मैं आऊँगा डिटेल में और यहाँ से शार्पिंग को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ मैं इस तरह, और यहाँ पर ओके करूँगा। तो फाइनली दोस्तों ये डिज़ाइन हमारा रेडी होगा सोशल मीडिया ऐड प्रोमो पोस्ट के लिए। तो दोस्तों ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर मैं चैनल पर नए तो भी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।